एक मित्र ने पूछा है कामनाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं कृपया प्रकाश डालें पहले कामना का अर्थ समझ लो कामना का अर्थ है दूसरे से अपेक्षा इच्छा कामना नहीं है विश इज नॉट डिजायर देर इज डिफरेंस बिटवीन विश एंड डिज़ायर इच्छा और कामना में अंतर है इच्छा हुई जैसे कि एक कार खरीदें नथिंग रॉन्ग बिल्कुल ठीक है तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम कमाओ धन पैदा करो और कार खरीदो ये इच्छा है कामना क्या हुई शादी में मेरे ससुर जी एक कार दहेज करते हैं दहेज में दे दें अब ये कामना हो गई अर्थात जब तुम अपना उद्देश्य खुद पूरा करते हो तो वो विष है वो इच्छा है वो आवश्यकता है वो ठीक है लेकिन जब तुम सोचना शुरू करते हो कि मेरी इच्छा ये है मेरा उद्देश्य ये है जो कोई और पूरा कर दे जैसे तुम्हें प्यास लगी है बहुत अच्छी बात है प्यास लगनी चाहिए भूख लगनी चाहिए शरीर को आवश्यकता है तुम गए फ्रिज के पास गए तुमने पानी डाला ग्लास में और पिया देर इज़ नथिंग रॉन्ग लेकिन मेरी पत्नी गिलास में पानी ला करके मुझे दे अब ये कामना है ये कामना है तो मेरी इच्छा दूसरे पूरी करें ये कामना है मेरे अनुसार चीज़ें हों ये कामना है मेरे अनुसार फल हो ये कामना है लेकिन कामना से मुक्ति का उपाय क्या है तीन उपाय है पहला उपाय क्या है जो भी फल मिला या इसके भी पहले एक उपाय उसकी बात कर लें फिर ये दूसरे उपाय की बात करेंगे पहला उपाय है कि कोई फल हुआ कोई रिजल्ट आया अब तुम कथा करते हो क्या कथा करते हो ये मेरे अनुकूल नहीं हुआ अनुकूल होता तो ज़्यादा अच्छा होता ये अब कथा तुमने करी किसी की मृत्यु हो गई परिवार में तुम कहते हो शायद दूसरे हॉस्पिटल में हम ले जाते तो शायद वो बच जाते अभी उनको नहीं जाना था अब तुम अपनी कथा गढ़ रहे हो जलेबी अपनी पका रहे हो हे तु हे तुम मतबूत हे तो तु, हे तुम तु, तु, मतबूत किसको कहते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा होता अब ये जलेबी तुम पकाने में लग गए कथा गढ़ने में लग गए अब घटना तो घट गई अब कथा करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं इससे कामना को बल मिलता है कामना को खाद पानी मिलता है ऐसा हुआ अब कथा मत करो बल्कि क्या करना उसका सत्य ग्रहण करो जैसे तुमने अपने बॉस से झगड़ा कर लिया उसने तुम्हारा सी आर खराब कर दिया और प्रमोशन रुक गया अब तुम कथा कर रहे हो अगर ये बॉस नहीं कोई और बॉस होता कहीं हमारा प्लेसमेंट यहाँ नहीं कहीं और हुआ होता तो मेरा सी आर ठीक होता और मुझे प्रमोशन मिल अब तुम कथा कर रहे हो नहीं तथ्य कथ्य सत्य तथ्य तो ये हुआ कि प्रमोशन नहीं हुआ कथा तुमने क्या करी कि ये बॉस ठीक नहीं था और अब तुमने सत्य ग्रहण अगर करोगे तो कथा से मुक्त हो जाओगे और कामना से मुक्त हो जाओगे सत्य क्या है अनावश्यक हमको किसी से झगड़ा नहीं करनी चाहिए खासकर बॉस से तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करनी चाहिए बॉस को हम दस पत्थर मारेंगे तो वो छत पर खड़ा है हम जमीन पर खड़े एक लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें भी शक है अगर दस पत्थर वो मारेगा तो नौ तो लगेगा तुमको निश्चित तो एक सत्य ग्रहण करो कि किसी से भी झगड़ा नहीं करना है खास करके बॉस से तो बिल्कुल नहीं अब ऐसे हर घटना से जब तुम सत्य ग्रहण करते चलोगे तो तुम कामना से मुक्त हो जाओगे इससे भी गहरी बात मास्टर की करीब करीब समझ लो तथा था स्वीकार जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फल यशु कदाचना कर्म का जो फल होगा या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा तो जो भी हम कर्म करते हैं दो ही प्रकार का फल आता है या तो अनुकूल या प्रतिकूल तो ये समझो कि ये संतुलन के नियम से कभी अनुकूल आएगा कभी प्रतिकूल आएगा आपदा संपदा काले दैवा दैवे ते निश्चय अष्टावक्र कहते हैं कि कभी दुख कभी सुख कभी जीत कभी हार कभी मान कभी अपमान इस संतुलन के नियम से हमारे जीवन में आता है अनुकूल का हम स्वीकार कर लेते हैं प्रतिकूल का नहीं करते तो हम प्रतिकूल का भी स्वीकार करेंगे कि ठीक है एक नियम से आ रहा है कभी घाटी कभी पर्वत कभी पर्वत कभी घाटी घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर मैं चढ़ गया ही माले गिर गिर संभल संभल कर जिंदगी ऐसी है और फिर तुम कामना से मुक्त हो जाओगे और तीसरा ये मास्टर की का भी मास्टर की है लेकिन क्यों पहले इन दोनों की बात की ये शुरू से प्रैक्टिस कर सकते हो और जब तीसरा सूत्र दे रहा हूँ कामना से मुक्ति का ये साधना में प्रगति करते करते एक दिन आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो जैसे ओशोधारा में जो जब ज्ञान समाधि नौवें तल की समाधि में आते हो उस समय तुम जान पाते हो ओ, मैं तो आत्मा हूँ जैसे ही जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ तो कामना बचती ही नहीं फिर कामना शेष ही नहीं रहती है जैसे जान ले तो मैं आत्मा हूँ जब मैं आत्मा हूँ तो अब आत्मा के लिए अनुकूल क्या और प्रतिकूल क्या सारा जो अनुकूल और प्रतिकूल है वह तो मन के तल पर है जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के लिए किसी ने सम्मान दिया किसी ने गाली दी हाउ डज इट मैटर आत्मा में गाली से कुछ क्षरण होता नहीं आत्मा में किसी ने सम्मान दिया तो उसमें कुछ जुड़ता नहीं तो जैसे ही आत्मा को जानते हो और आत्मा के तल पर जीना शुरू करते हो सब्जेक्टिव कॉन्सियसनेस के तल पर जब जीना शुरू करते हो तो अनुकूल और प्रतिकूल विदा हो जाता है और उस समय तुम स्वतः निष्काम हो, हो जाते हो इसलिए जनक तीन सवाल पूछते हैं कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दें कैसे वैराग्य हो हे प्रभो या कहें सवाल तीन है और अष्टावक्र उत्तर एक ही देते हैं कहते हैं हे जनक कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना से समाधि नहीं मुक्त यदि चाहते कामना से बचो विष समझकर विषय वासना को तजो बोध हूं बोध हूं मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके एको विशुद्ध बोधो हम ये प्रज्वालिया अज्ञान गहनम बीत शोको सुखी भवा मैं चैतन्य मैं विशुद्ध बोध हूँ मैं चैतन्य आत्मा हूँ इस ज्ञान से अज्ञान के जंगल को जला लो फिर शोक से मुक्त हो जाओ आनंदित हो जाओ जैसे ही जान लेते हो कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूँ फिर कैसा अनुकूल कैसा प्रतिकूल और फिर सारी कामनाओं से मुक्त हो जाते हो